अगर मौत आ गई तो यही था, अगर मिल गया तो एक स्टेज फिर आगे। जब आप किसी को जैन भाई उसकी उसकी कैपेसिटी और उसके पोटेंशियल से ज्यादा इज्जत दे देते हैं ना, वो हजम नहीं कर पा रहा होता। वो तो कहते हैं ना, आपको इश्क हो गया उसको नहीं हुआ हुआ, तो जब आप हद से ज्यादा प्लेट में डाल के दे देंगे तो वो स्पिल ही करेगा ना, प्लेट से बाहर ही गिराएगा। तो माइंड के अंदर यही तो इल्म है कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना। प्रिंस इकबाल अहमद पिशावर से, आई लव यू ऑल, जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू फॉर काइंड एडवाइस। सर आपने कहानी कब सुनाएंगे? अपनी कौम अपने यूथ को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा है। मेरी कहानी छोड़ें तो अगर वो पैसा लगा दे आप पे, आप पर, तो आप उसकी ज़ुबान बोलेंगे या अपना मिशन कैरी करेंगे? नहीं, हमने तो अपना काम करना है ना, हम उसकी ज़ुबान क्यों बोले, हम अपना काम करेंगे। इसी के ऊपर ही तो होती है। आप सल्लम जो थे, आपने कितनी कोशिश की, आपने ताइफ में अटेम्प्ट की, फिर आपने किंदा कबीले के साथ बात की, फिर गज़नफार करके, या पता नहीं इस तरह गज़नफान करके कबीला था, आप कहाँ कहाँ नहीं ट्राई कर रहे थे कि मक्के में, आप क्योंकि काम नहीं हो पा रहा, इजी नहीं था, कितने लोगों ने आपको अपनी अपनी डील्स ऑफर की। तो औस और खजरज के नसीब के अंदर आप सल्लम की तहरीक आई थी, तो उस पर हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का जो है वो थोड़ा सा रिजर्वेशन भी था कि दीज आर यंग लैड्स, यू नो, ये जवान हैं, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं हैंडल कर सकेंगे। तो अल्लाह ने वहाँ से रास्ते खोल दिए, बहुत बड़े इस्लाम एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनी मदीना से। तो यू नेवर नो कौन आएगा, कौन कब हेल्प करता है, कौन कब हाथ मिलाएगा, ये तो वक्त बताता है, बट स्टिक ऑन, स्टिक टू इट। भाई कनाडा वालों की भी सुन ली, थोड़ी भी सुन लांगे भाजन, तुसी भी कह लो असी थोड़ी भी सुन रहे हैं। हम कहाँ गए? राणा सुहेल भाई, राणा साहब असी थोड़े नाल ही हैं। हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज? प्रिंसिपल्स मजबूत कर लें लाइफ के अंदर, एक विजन इनकलकेट कर लें, प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग कर लें, सेट हो जाएगा सब कुछ, पूरी मोटिवेशन आएगी। आई एम MBBS स्टडी में चाइना जा रहा हूँ, बट उससे पहले आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज डियर सर एक दफा। कैसे पता चले किसको कितनी अहमियत देनी है? पता चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद उगल देगा अगला, सिर्फ होल्ड बैक करो, ज्यादा जो है ज्यादा उसको सर पे ना चढ़ाओ, टेक योर टाइम, खुद ही पता चल जाएगा इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। सर आई यूज योर लेक्चर्स एनीवेयर लाइक स्कूल्स फ्रेंडली? जज़ाकअल्लाह नजर पर इस्तेमाल करें, कौम की चीज़ है, कौम इस्तेमाल नहीं करेगी तो कौन इस्तेमाल करेगा? फिरौन और उसका पूरा कुंभ और उसके सारे कबीले वाले सारे दीन पर नहीं थे, सिर्फ आसिया अलैहिस्सलाम जो है वो थी। तो ये तो उन औरतों के साथ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पूरी फैमिली नहीं है और उस एक औरत को दीन मिल गया तो इट्स अ ग्रेट ऑनर, आई वुड से यू आर विद द क्वींस ऑफ द जन्ना। शेख फैसले में तरद्दुद कैसे ख़त्म करें? सीरत पढ़ें, मशवरे लें, एक्सपर्ट्स की राय लें, अपने माजी के पर्सपेक्टिव से ले के कि भाई क्या हुआ था, क्या नहीं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हर फील्ड के मैक्रोज एक जैसे होते हैं, उसी को ले के इस्तखारा करें, 6-7 एक्सपर्ट्स की राय लें और बिस्मिल्लाह करें या पीछे हट जाएं। फ्यूचर किस तरह बेहतर बना सकते हैं? माजी से सबक सीख के। जिंदगी में करना क्या चाहिए, हूं कैसे बचाना जाए? जिंदगी में कुछ भी, सब कुछ करने का, कुछ खास ऐसा नहीं है जिससे पीछे हटे। जो चीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई, अकेडमीज तो है नहीं मुल्क के अंदर, अब अगर 16 से 25 साल के बीच में जो चीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई 70% प्लस पे परफॉर्म कर रही है, आगे चले उसी को लेके। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी वक्त देगी, दूसरे दूसरे शुगल भी चलते रहेंगे, जल्दी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, सारे काम हो जाते हैं एक साथ। नियत मकसद जज्बे को थककर टूटने से कैसे बचाएं? अपनी नियत मकसद और जज्बे को थककर टूटने से कैसे बचाएं? जिंदगी को इस तरह लेके चलें, अगर मौत आ गई तो यही था, अगर मिल गया तो एक स्टेज फिर आगे। तो ये दुनिया असल नहीं है, यहाँ की जीत हार भी असल नहीं है, लेकिन जीना है।
तारे की दुनिया नहीं है, मोनास्ट्रिस नहीं है, चलते रहें। हम इसी तरह एक टाइम पर आके ना यही हो जाता है, भाई मिल गया तो ठीक है लेके चलते हैं, नहीं मिला बस इतना ही था। कोशिश करते रहें, स्ट्रैटेजी बदलते रहें। लेकिन जब एक इंसान गेंडे की तरह दीवार पर 20 सालों से एक ही तरह सर मार रहा होता है ना, दैट इज रॉन्ग। ट्राई समथिंग एल्स। अपने माइंड में जीत हार खुद डिफाइन कर लें तो हार का डर ही नहीं होगा, फेलियर का डर ही नहीं होगा, क्योंकि जो मिल गया एक्सपीरियंस, हार गया तो एक्सपीरियंस है, जो मिल गया जीत है, एक मौका है, फिर आगे चलेंगे। तो कभी भी ये सोच भी नहीं आएगा। हाँ, आदमी थकता है, फ्रस्ट्रेट होता है जब चीज़ें नहीं आ रही होती, इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, बट लाइफ में एक टाइम पर हमने मर जाना है, हमने आगे बड़ी बड़ी क्लैमिटीज देखनी है जिंदगी के अंदर। तो माइंड ही बना लेना भाई, जब बच्चों को जब माइंड सेट बना दिया जाना भाई कि लाइफ इज नॉट अ वॉक इन अ पार्क और पीस और कैरेट्स, जिंदगी हार्ड वॉक है, मतलब हम इस दुनिया में अजाबन भेजे गए हैं, चेक है हो रहा है हमारा, मैक्स टू मैक्स कुछ भी हो जाएगा, आखिरत बड़ी है ना, तो उसको रख के आदमी ना फिर कर लेता है बैलेंस। तो कोई इतनी हाई एक्सपेक्टेशन इस दुनिया से रखना ये भी गलत है, और बिल्कुल ही हार मान के बैठ जाना ये भी गलत है। चलते रहें, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, हम भी इस्तेमाल करके आगे चलते रहेंगे। चिल आउट, कुछ नहीं होगा अगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हो गया तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं हुआ तब तो वैसे ही किसी को फर्क नहीं पड़ना। बाय द एंड ऑफ द डे लर्न टू लिव विद योरसेल्फ, अपने आप के साथ जीना सीखें, चिल हो जाएगा सीन सारा। हाउ डू आई स्टे कॉन्फिडेंट? इल्म पक्का होना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुशायदा हो, तजर्बा हो, तो इल्म पक्का हो, मुताला हो, मुशायदा हो, खामोशी अपनाई भी हो, स्टडी अच्छी हो, अप्लाई किया हो, अप्लाई करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जब आपने एप्लीकेशन की होती है ना अपने इल्म की, फील्ड में वक्त लगाया हुआ होता है, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लोग जो बैठे हुए होंगे ना, वो छोटी मोटी अठन्नियाँ चवन्नियों पर तनकीद करने वाले होते हैं, जब प्योर टैलेंट आके बोलते हैं ना सामने, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी तकरीर करने जाते हैं ना, तो पहले ही जगह पर ऐसे जुमला बोल देते हैं इससे पूरा 5,000 हो, 4,000 हो, 2,000 हो, कितना ही बड़ा जलसा बैठा हो, पहले ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो अल्फाज बता देते हैं ना कि भाई कोई शय आई है अब सामने। तो जब तजर्बा खुद बोल रहा होगा ना, तो लोग खुद ही हल्के हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है तजर्बे से, ज़्यादा लोगों के साथ रह के, काम करके, एप्लीकेशन करके, और जो है अपना दायरा वसी करके, घरों से निकलता है आदमी, जब ठुकराया जाता है, जब सिस्टम से गुजरता है, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा तरीकेकार ये है कि भाई ना अगलों ने कुछ देना है, ना अगलों ने कुछ लेना है, अपना काम करे, आगे बढ़े।